अल्लाम नाजरीन मेरा नाम है मिसबा जमान और आज हम मौजूद हैं आ, स्पोर्ट सिटी में और जिनको आप मेरे साथ देख रहे हैं ये हैं साउथ सलीम साहब जो कि स्पोर्ट सिटी के जो हैं वो एक रेजिडेंट हैं आज हम इनका इंटरव्यू कंडक्ट करने आए हैं आइए इनसे जानते हैं कि इनको बहडाउन कराची में रहते हुए कितना अरसा हो चुका है और आ, ये कितना मतम है यहाँ की इंतज़ामिया से सेकुम सर कैसे हैं आप मैं आपका शुक्र है मुझे यहाँ आए हुए उन्नीस दिसंबर को पूरे दो साल हो गए ठीक है और जहर है मैं कराची की जो अब तरी थी और बद इंतजामी है उस शहर की तो उससे हालांकि मेरा बहुत अच्छा घर था वहां पर लेकिन मैंने जब बहरिया टाउन को देखा तो मैंने कहा भाई रहने की जगह तो यही है बिल्कुल ईमानदारी की बात और ये इसमें कोई शक भी नहीं है कि मलिक रियाज साहब ने एक बेहतरीन शहर बसा के दिया है बिल्कुल ऐसा है और दुनिया के किसी भी आप पे इसको रख सकते हैं बैनी पे इस शहर को कुशादा सड़कें हैं पैदल भी चल सकते हैं वॉक भी कर सकते हैं अब यह है कि यहाँ दूसरे मसाइल हैं जो शहर से दूरी की वजह से हैं वो एक अलग इशू है बिल्कुल। लेकिन वैसे ही ये है कि ये एक मुकम्मल एक रहने की जगह है मौसम का यहाँ मज़ा है बारिश का यहाँ मज़ा है हर लिहाज से ये पुरसकून जगह है ना यहाँ पर गैर जरूरी आमदोरफ्त है ना ही यहाँ ये है कि जनाब हर दो कदम पे एक फ़क़ीर मिल रहा है <laughs> तो ये बहुत सारे मसाइल से निजात है बिल्कुल बड़ी पुरसकून जगह है ये बिल्कुल बाकी तो हम भी पूरी अपनी जिंदगी का यहां लगा लगा चुके हैं बिल्कुल हमने दिया है सरमायागैक्टली <laughs> exactly. तो अब यहाँ दूसरे मसाइल हल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी जगह हो जाएगी अच्छी है और बहुत अच्छी हो जाएगी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा मैार है यहाँ पर कुछ सादा सड़कें हैं और ये पार्क मुकम्मल हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे तो फिर तो बहुत, ही ला और बहुत, जल्दी आबाद हो बहुत जल्दी लोग काफी बहुत महंगी है चाहे वो बिजली है ग्रोसरी है बहुत सारी और चीजें हैं तो आप तो यहाँ के रेजिडेंट हैं तो मुझे बताएं कि क्या यहाँ चीजें सिटी से ज्यादा हमें महंगी मिलती हैं हाँ सिटी से महंगी है लेकिन वो तो एक फितरी बात है ना कि एक शख्स इतनी दूर से लेके आ रहा है सामान अपना वो पेट्रोल खर्च कर रहा है उसकी तोनाई है उसने लेबर लगाई हुई है वो यहाँ ला के आपको मुहैया करता है तो फिर वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो मुनाफा उसमें लेगा ताकि वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके मेंटेन कर सके बिल्कुल तो लेकिन ये है कि जो लोग रोजाना शहर जिनका जाना होता है वो अपनी बहुत सारी जरूरत की चीजें वहां से ले आते हैं और मिसाल के तौर पर मैं खुद हूँ मैं गोश्त बाहर लेने जाता हूँ मैं कलाजी लाता हूँ गोश्त हफ्ते दस दिन के अंदर लगाता हूँ ये सब चीजें सही तो बाकी महंगाई तो है के मुकाबले में। तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल लेकिन उसकी वजुहत बहुत सारी है सिर्फ बेरेटाउन की वजह नहीं है जी उसकी वजह पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में महंगाई है पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो वो क्या करेगा ऐसे ही है बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा इसके साथ साथ मुझे बताए की आप स्पोर्ट सिटी में आप रहते हैं तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप बहरे टाउन की इंतजामिया से मुइन है कि जहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो उनकी तरफ से नहीं देखिए मैं मुतमिन नहीं हूँ इसकी वजह यह है कि मैं तो एक रिटायर्ड आदमी हूँ मेरे लिए तो ये जन्नत है है ना लेकिन मेरा बेटा जाता है शायरा फैसल जाता है मेरे बच्चे जो है वो यहाँ से आगे डी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं ठीक है और और कितने ही लोग हैं जो रोजी रोजगार के लिए जाते हैं बिल्कुल ज्यादातर यहाँ के जो है वो आपको वर्कर्स बहुत मिलेंगे जो नॉर्मली हाँ, वेट कर और और रहे होते हैं होने की वजह भी यही है है ऐसे ही है। कि जो खाली घर पड़े हुए लोग आते में डरते हैं वो यहाँ आते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कैनवे की सहूलत नहीं है तो एक अच्छा एक बस चली थी जी जी कुछ अरसे पहले मस्जिद उस्मानिया यहाँ करीब तक आती थी वो स्पोर्ट सिटी पर लेकिन फिर उसको उन्होंने बंद कर दिया तो ये तो अशद अच्छा जबरदस्त ज़रूरत है बिल्कुल ये अगर चल जाएगी तो बहुत बहुत फायदा होगा आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो क्या उनके लिए, के के लिए? असल में ये डिपेंड करता है कि किस इंसान जिंदगी के फैसले होते हैं ना वो हर घर में एक आदमी नहीं करता बिल्कुल मिलके पूरी एक फैमिली करती है अच्छा, मिलके लोग करते हैं ना फैसला कोई फैसला होता ही नहीं।, <laughs> नहीं, नहीं 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 कहीं कहीं हो जाता है अब बहुत सारे ना तो वो, वो हमारा हम है ना हमने फैसला किया हम आगे हमारे सारे बच्चे हमारे साथ आ गए हमारी अब दूसरों के घरों में ऐसा नहीं होता जी वो मालूम है वाइफ करी मैं यहाँ से नहीं आऊंगी बेटा करे मैं नहीं आऊंगा तो वो उनके लिए फैसला करना मुश्किल मुश्किल होता है तो जहाँ फैसले आसान होते हैं वहाँ अना आसान होता है तो बहुत सारे लोगों का दिल चाहता है राउंड को देखते हैं, देखते हैं हैं से इसलिए शहर में तो फुटपाथ का तस्वर ही नहीं है ऐसे ही है। आप लेन आपको मैच से भी नहीं है लोग चलते चलते वहां जाते हैं बुढ़ापे में तो वो वो क्यों जाते हैं सड़क पे पत्थर पड़े हुए कहीं भी वो पैर रख रहे हैं सड़क के ऊपर वो जा रहे हैं अंदर जमीन के नीचे तो ऐसी सूरत हाल में लोग वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन यहाँ आने के लिए फैसला करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसलिए बहुत सारे लोगों का फैसला होता है उनकी वो अपनी देखते हैं कि हमारी जरूरिया क्या है, हमें क्या हैं यहां मिल नहीं है। ऐसे ये तो कराची तो तो नहीं मिल सकती बिल्कुल ऐसा है। अच्छा इस लिहाज से मुझे बताएं कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि यहाँ स्नैचिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है या होती है तो आप खुद यहाँ रहते हैं रेजिडेंट हैं यहाँ के तो कभी आपने कुछ ऐसा, कुछ ऐसा देखा या कभी कुछ ऐसा सुना कि यहाँ स्नैचिंग हुई नहीं मैंने मेरे आज तक मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ और कराची छोड़ने की एक वजह यह भी थी कि वहां डकैतियां चोरियां एक एक बच्चे के पांच पांच मोबाइल छिल गए दो मतलब मेरी गाड़ी चोरी हुई बाइक चोरी हुई पहले तो ये सारी वजुहत यहाँ नहीं है एक आध व सुनने में आया है लेकिन वो भी उसकी बड़ी वजुहत है अब लोग इसको समझते नहीं है घरों में जो मुलाजिम होते हैं वो भी अब जा जाहिर है हमको यहाँ कोई फरिश्ते तो रहते नहीं है बिल्कुल ऐसा है ना बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें इंसान को खुद बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है लेकिन अपनी तो करो कम ऐसे सर मुझे ये बताएं कि अब देखने वाले नाजरीन देख रहे हैं जैसे कि हम आपको इंटरव्यू रेजिडेंट है यहाँ के देखने वालों को आप जो है वो क्या मैसेज देंगे मैं तो यही मैसेज दूंगा कि भाई फैसला करें उस पर कायम रहें और इन्जॉय करें अपने जिंदगी को देखें सफाई सुथराई क्या होती है ये ना शहर में तो बहुत ही बहुत परेशानियां थी नहीं ना वो शहर यानी छोड़ने की वजह ये है मेरे घर में कोई खराबी नहीं थी फिर अपना बनाया हुआ घर था बेहतरीन घर था किराए पर भी उठ सकता था सब कुछ हो सकता था लेकिन उस जगह से मैं घबरा गया घबरा गया मैंने का, नहीं, यहां से और मौजूद थे जिन्होंने बताया कि उनको रहते कि हुए कितना टाइम हो चुका है और यहाँ उनको क्या क्या मुतालबात हैं उनके के इंतजामिया से बहरिया के कि उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ मुहैया की जा सकती हैं कि बहिया और ज्यादा बेटरमेंट की तरफ जो है वो चला जाए और एक और भी इनका मशवरा था अगर आप रिटायरमेंट के बाद बेटर लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो बहेर टाउन कराची आपके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेस है आप लोग जो है वो जिंदा जिंदगी के लिए जो जन्नत है exactly. उसको ये सिर्फ उन लोगों के थोड़े मसाइल हैं जो शहर नौकरी करने जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए और यहाँ बाजार खुल जाएंगे स्कूल खुल जाएंगे बसें चल जाएंगी तो बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें उसका क्योंकि उन्होंने कहा मैं बिल्कुल चलें नाज़रीन अच्छा مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چلیں سبسکرائب کریں थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग